नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडापलीन जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एडापलीन जेल को कैसे लगाना चाहिए और एडापलीन जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एडापलीन जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एडापलीन जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। एडापलीन जेल का उपयोग मुख्य रूप से एक्ने यानी चेहरे पर मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एडापलीन जेल चेहरे पर ऑयल के ज्यादा प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि ज्यादा ऑयली त्वचा होने पर पिंपल्स व मुहासे होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडापलीन जेल को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एडापलीन जेल को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाने की सलाह देते हैं। एक मटर के दाने जितनी एडापलीन जेल आपके पूरे चेहरे पर लगाने के लिए काफी होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में एडापलीन जेल को लगाने से आपकी त्वचा में लालपन, जलन और खुजली हो सकती है। इसलिए एडापलीन जेल की एक पतली लेयर ही चेहरे पर लगानी चाहिए। एडापलीन जेल को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए, और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद एडापलीन जेल की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। एडापलीन जेल को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैला कर लगाना चाहिए और एडापलीन जेल को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडापलीन जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एडापलीन जेल की वजह से त्वचा में जलन, त्वचा में लालपन, त्वचा में खुजली और त्वचा में सूखापन हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आप दिन के समय में वैसलीन या कोई अन्य मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं, ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में एडापलीन जेल की वजह से त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडापलीन जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एडापलीन जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। एडापलीन जेल की वजह से त्वचा सूरज की धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, इसलिए दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि एडापलीन जेल को लगाते समय ज्यादा देर तक सूरज की धूप में रहने की वजह से त्वचा सूरज की धूप की वजह से डैमेज हो सकती है और त्वचा का रंग काला भी हो सकता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो सूरज की धूप में जाने से पहले आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। एडापलीन जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए एडापलीन जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। एडापलीन जेल को किसी घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर एडापलीन जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए एडापलीन जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एडापलीन जेल का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एडापलीन जेल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको एडापलीन जेल को 12 सप्ताह लगातार लगाने के बाद भी मुहासों की समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एडापलीन जेल को लगा सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एडापलीन जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनको भी एडापलीन जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एडापलीन जेल माँ के दूध में निकलती है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एडापलीन जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एडापलीन जेल को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप
आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एडापलीन जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।